विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे भक्तों की बस खड़े ट्रक से टकरा गए, जिसके चलते हादसे में 4 की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जौनपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से भिड़ गई, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 35 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज वाराणसी के अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि बस में सवार सभी लोग अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले थे। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ विंध्याचल से जब ये लोग दर्शन करके अपने घर वापस लौट रहे थे। पता चला है कि मड़ियाहू थाना इलाके के बाईपास पर बस चालक की गलती से यह दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर घंटों इस हादसे से अफरा तफरी मची रही। तो विंध्याचल से लौट रहे थे सभी लोग दर्शन करके, उसी दौरान यह हादसा हुआ है बस चालक की गलती से। आपको बता दें कि एक ट्रक जो कि पहले से खड़ा था उसमें जाकर यह बस टकरा गई। 35 लोग सवार थे, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को वाराणसी अस्पताल में रेफर किया गया है, इलाज चल रहा है। एक दर्दनाक हादसा, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं ये सभी लोग, जिसमें 3 की मौत हो गई है। विश्व विकास जुड़ गए हैं जौनपुर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विश्व विकास, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? हालात अभी मिलाकर बेहतर हैं। जो घायल थे उनका जिला अस्पताल जौनपुर में उपचार किया जा रहा है, और जो गंभीर रूप से घायल थे उनको वहां से रेफर कर दिया गया है, और जिनकी मौत हो चुकी है उनको मशीन रखा